चलो बबुआ, हेडिंग बनाओ आज, संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र तो संधारित्र देखो किसे कहते हैं? संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस हो, युक्ति हो। देखो क्या हो, इस पर प्लस आवेश, प्लस आवेश इस पर। ये दो प्लेट, एक प्लेट एक्स एक प्लेट वाई, दो प्लेट हमारे पास, एक प्लेट एक्स एक प्लेट क्या है वाई। जो एक प्लेट है ना, तो इसे तो हम अर्थ कर देते हैं, अर्थ अर्थ कर देंगे ना, हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं इसे, अर्थ कर देते हैं, ये अर्थ करने का चिन्ह। क्या कर दिया सर? अर्थ पृथ्वी से जोड़ दिया था, ठीक। उसके बाद जो दूसरी प्लेट है ना, या कुछ अलग स्टैंड की भांति कार्य करती है, कुछ अलग स्टैंड, कुछ अलग स्टैंड, कुछ अलग स्टैंड की भांति कार्य करती है, उसकी तरह व्यवहार करती है। अच्छा, तो संधारित्र पूछे तुमसे क्या है? संधारित्र कुछ नहीं है एक प्रकार की, संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति मतलब डिवाइस एक प्रकार की, ठीक, ऐसी युक्ति जिसमें जिसमें दो प्लेट होती है और दोनों प्लेटों में ना विपरीत आवेश होगा। विपरीत आवेश का मतलब एक प्लेट प्लेट पर प्लस आवेश होगा ना, तो दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश होगा। एक प्लेट पर अगर प्लस आवेश होगा ना, तो दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश होगा? माइनस आवेश होगा, ठीक। इसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं, दूसरी प्लेट को हम कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? कुछ संधारित्र कैसे कहते हैं? तो संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति जिसमें दो विपरीत आवेशित प्लेट होती है, दो विपरीत होगी विपरीत आवेश वाली प्लेट, जिसमें दो विपरीत आवेश वाली प्लेट होगी। अगर इधर प्लस होगा ना, तो इधर क्या होगा? माइनस होगा। एक प्लेट ऐसी होगी जो कुछ अलग स्टैंड से जुड़ी हुई होगी, और दूसरी प्लेट जो होगी वो अर्थ होगी। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया? मैं चाहता हूँ इस बात को लिख लो, लिखो, हेडिंग बनाओ संधारित्र, हेडिंग बनाओ संधारित्र, संधारित्र लिया, लिखो। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, इसमें लिखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें, इसे इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो विपरीत आवेशित प्लेट होती है, जिसमें दो विपरीत आवेशित प्लेट होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो विपरीत आवेशित प्लेट होती है। ठीक लिया? इसमें पहली प्लेट को अर्थ तथा दूसरी प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। इसमें पहले प्लेट को अर्थ तथा दूसरी प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। इसमें पहले प्लेट को अर्थ तथा दूसरे प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। इसमें पहले प्लेट को अर्थ तथा दूसरी प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। कोई बता सकता है धारिता का क्या सूत्र हो? सी बराबर क्यू अपॉन वी, यही तो सूत्र धारिता का, सी बराबर क्यू अपॉन वी। अगर किसी चालक की धारिता निकालनी हो ना, तो धारिता निकालने के लिए उसका उसके ऊपर उपस्थित आवेश पता होना चाहिए, और उसके बाद ना उसके अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो पता होना चाहिए, उसके अंदर जो विभव होगा वो पता होना चाहिए। आवेश ऊपर रख दो, विभव नीचे निकल जाओगे, तो उसकी धारिता निकल जाएगी। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, उसके अंदर कितना आवेश रहेगा, उसी बात को हम चालक की धारिता कहते हैं। अगर तुम्हें चालक की धारिता बढ़ानी हो ना, तो उस चालक के अंदर ना, अगर तुम तो अगर संधारित्र लगा दोगे, तो चालक का आकार नहीं बदलने का। देखो चालक है हमारा, ये हमारा चालक इस टाइप का चालक है हमारा, इसकी मुझे धारिता बढ़ानी, क्या बढ़ानी? धारिता बढ़ानी। तो धारिता बढ़ा सकते हो, एक शर्त बढ़ा सकते हो, इसके अंदर ना संधारित्र लगा दो, संधारित्र का प्रतीक कैसा हो, संधारित्र लगा दोगे ना, तो संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति, चालक के आकार में बदलाव नहीं होने का, इसके आकार में कोई बदलाव नहीं होने का, लेकिन इसकी धारिता बढ़ जाएगी।
समझे, कोई एक तरीके दूसरी परिभाषा यह भी है इसकी। कोई तुमसे पूछने लगा कि संधारित्र क्या हो, तो बताओगे संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति, चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, बदलाव नहीं होना, आकार जैसा है ऐसा रहेगा इसका आकार, लेकिन इसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई इसकी धारिता? क्योंकि हमने वाला डिवाइस लगाया, उसके अंदर संधारित्र लगाया। तो संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता क्या कर सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ये भी परिभाषा सही है, लिखो हेडिंग बनाओ परिभाषा, दूसरी परिभाषा संधारित्र की, परिभाषा संधारित्र की दूसरी परिभाषा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, इसमें लिखो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, लिख लिया? कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला ये डायग्राम इसके नीचे बनाओ जल्दी फटाफट। संधारित्र में कितनी प्लेट हो? एक प्लेट पर कैसा आवेश हो? दूसरे पर? अगर इधर माइनस होता तो उधर कैसा रहता? एक प्लेट को कैसे कर देते हैं अर्थ, दूसरी किससे जोड़ देते हैं जिसके अंदर करंट नहीं आता, उसे कुछ अलग स्टैंड बोलते हैं। ये सुन लो, संधारित्र क्या है? एक प्रकार की ऐसी युक्ति, ऐसा डिवाइस चालक के आकार में कोई बदलाव नहीं होने का। अगर तुम इसके भीतर संधारित्र लगा दो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ने का मतलब क्या होगा? उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आया समझ में? मतलब देखो मैं हूँ, पहले मैं दो रोटी खाता था, तीन रोटी बस, मेरी इतनी कैपेसिटी थी, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया ना, बीटी डॉक्टर के पास गया, किसके पास? उसने मुझे ऐसी खुराक दी, ऐसी दवाई दी, तुरंत मेरी चार रोटी कैपेसिटी होगी। समझ आई बात? या और कोई बदलाव नहीं है मेरे अंदर, यूँ नहीं कि मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ, मेरे आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे जैसे था मैं ऐसे ही, मेरे आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिस उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दवाई। क्या बोलते हैं? तो दवाई एक प्रकार की ऐसी युक्ति। तो चालक में चालक हूँ, मेरा आकार में कोई परिवर्तन नहीं था, मेरी डाइट बढ़ा दी, तो मेरी डाइट बढ़ाई, उसने दवाई ना बढ़ाई। समझ में आया बात है? तो यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है। चालक है ना, जो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, कब बढ़ जाएगी? आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने का, जिसके कारण बढ़ेगी उसका नाम संधारित्र। ये सुन लो, इतना बात बताओ, समझ में आया? साधारण सी परिभाषा। अब हम क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले जो संधारित्र हो ना, अच्छा धारिता क्या हो? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, यानी कोई चालक है ना, कितना आवेश को ग्रहण कर सकता होगा, आवेश को संग्रहित करने की, उसको संकीर्ण करने की, उसे एकत्रित करने की, उसे इकट्ठा करने की, आवेश को एक जगह रखने की, अपने अंदर स्टोर करने की जो एनर्जी होगी, मतलब अक्षमता होगी, जो ताकत होगी, उसी ताकत को हम संधारित्र धारिता कहते हैं। धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर सूत्रों की कौन भी किसी चालक की अगर धारिता निकालनी हो। ये सुनो ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले भाई कि जो संधारित्र हो ना, इसकी धारिता कैसे निकाल लेंगे? संधारित्र धारिता, चालक की धारिता हमें पता, अगर किसी चालक की धारिता निकालनी हो तो सी बराबर क्यू अपॉन वी सूत्र हो, ये तो हमें पता नहीं हमें वाला सूत्र कि सी बराबर क्यू अपॉन वी सूत्र हो। लेकिन अगर हमें संधारित्र की धारिता निकालनी हो तो फिर क्या करोगे? अगर संधारित्र की धारिता निकालनी हो, इसका व्यंजक प्राप्त करना, तो संधारित्र दो प्लेट हो, संधारित्र में कितनी प्लेट हो? दो समांतर प्लेट हो। तो हम सवाल ऐसा पूछेगा, दो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। मैं प्रश्न लिखवा रहा हूँ, फिर इसको उत्तर लिखवाने जा रहा हूँ। प्रश्न लिखो, पेपर में आया हुआ प्रश्न कई बार आ चुका। प्रश्न, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। समांतर प्लेट, थाली मत लिख देना,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। देख लो क्या निकालनी, किसकी धारिता निकालनी भाई, क्या निकालनी, ये किसकी धारिता जो ऊपर लिखी बोर्ड को, चालक की धारिता। अरे संधारित्र कोई चालक नहीं है, युक्ति वा कैसी युक्ति, चालक क्या कारण में परिवर्तन नहीं करना लेकिन उसकी धारिता बढ़ा सकती है। तो हम क्या निकालना, हमें निकालना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो जो जो हमें कहा गया ना वही निकालना। पेपर में सवाल पूछा हुआ है, मस्त सवाल एकदम। डेरिवेशन एक प्रकार का, तो आज हमारी हेडिंग है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर क्या लिखा सपना, समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इधर देख लो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। मेरी तरफ भी देख रही, इधर देख लो। कभी कभी फोटो देख के ऐसा लगा ना मेरी तरफ देख रहा है फोटो, है ना, तू भी लगा था ऐसा, तेरी तरफ देख रही, तू कह रहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरी तरफ देख रही। सबका यही व्यायाम हो। प्लस ए तुम देखो क्या कर रही हो, ये अपने आप लड़ रही हूँ, गाड़ी मुझे देख रही है, वापस फेंकू वो तुम। कुछ लाभ होगा अनंत। सपना, मेरा भी एक सपना कि मैं डेरिवेशन पूरा करवा दूँ, तुम देख लो क्यों क्या है एक्स, क्यों क्या है वाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। दो प्लेटें नहीं है और दोनों दोनों समांतर पैरेलल में जा रही, देखो का क्या कहा है, का बोले थे हम तुमको समांतर प्लेट संधारित्र की। अच्छा संधारित्र क्या नहीं, तो बना दो ना संधारित्र, ले संधारित्र क्या हो, जो एक प्लेट हो ना, एक प्लेट हो उसमें कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं और एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं, ये अर्थ का चिन्ह हो। अच्छा दूसरी कैसे जोड़ देते हैं, कुछ अलग स्टैंड से, कुछ अलग, कुछ अलग स्टैंड, इसे हम संधारित्र बोलते हैं। टाइप ऑफ फोटो दिखाता हूँ तुम्हें संधारित्र का, ये बारा एक्स, ये प्लेट एक्स, ये प्लेट क्या वाई, कितने प्लेट, अब तो संधारित्र की प्लेट बन चुकी है क्योंकि एक प्लेट तो कुछ अलग स्टैंड से जोड़ दी गई और दूसरी को अर्थ कर दिया गया। जब दो दो प्लेट हो हमारे पास और दो प्लेट और दोनों विपरीत आवेश भी है, और हम क्या बोले थे तुमको, जब दो प्लेट हो और दोनों विपरीत आवेश हो और एक प्लेट ऐसी हो जो अर्थ कर दिया हुआ और दूसरी प्लेट ऐसी हो जिसे हम कुछ अलग स्टैंड से जोड़ दिया हो, तो वो तो पक्का संधारित्र कहलाती है। इसका मतलब पक्का संधारित्र, ओहो संधारित्र समांतर प्लेट, तो दो ही तो प्लेट समांतर नहीं जा रही है, दो प्लेट नहीं है समांतर नहीं जा रही, तो नाम होगा समांतर प्लेट संधारित्र। अब क्या निकालनी है, उसकी धारिता, और धारिता क्या हो, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। अगर संधारित्र को एक चालक मान लो तो संधारित्र के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो हमें संधारित्र की धारिता निकालनी, यानी संधारित्र के अंदर कितनी, संधारित्र के द्वारा जो संधारित्र इनके बीच में कितना आवेश संचित होगा, इकट्ठा होगा, उसकी अक्षमता ही संधारित्र की धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता निकालनी, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं है। और इसका जो प्रतीक हो ना संधारित्र का, संधारित्र का प्रतीक ऐसा हो, ये दो प्लेट से बना दे, एक प्लेट पर विपरीत आवेश हो, एक पर जो प्लेट हो उस पर एक पर प्लस आवेश हो, दूसरे पर माइनस आवेश हो। इतना बात बताओ यहाँ तक देखने में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है वो यहाँ तक। उसके बाद इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, उस समय इसे डिनोट करेंगे। इनके बीच में जो दूरी होगी दोनों प्लेटों के बीच की, वो डी होगी। कितनी प्लेटें, दो, दो प्लेटों के जो बीच की दूरी है ना, उसे हम डी, डी से डिनोट करते हैं। एक तो ई होगा, एक क्या होगा, डी होगा। इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ई होगा और क्या होगा, डी होगा। इनके बीच में प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा वी। तीन चीज़ बताई मैंने, तीनों तीनों याद रखना, दोबारा फिर से भेज लेना। कितनी प्लेटें, कैसी प्लेट, किसकी प्लेटें, कैसी प्लेट, क्या निकालनी, धारिता, क्या निकालनी, धारिता। इस तरह में बोर नहीं होना, ठीक कर दो, मैं फोटो लगा दिया। अगर देखो
इस फोटो देख के भी नजर आ रहा क्या लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ धारिता क्या क्या प्राप्त करना व्यंजक प्राप्त करना ठीक। चलो अब पता लगा मुझे गौतम बुद्ध की सभा में लड़कियों को जाने की अनुमति क्यों नहीं आती। गौतम बुद्ध की जो सभा थी ना संगति हुआ करती थी वहाँ लड़कियों को और औरतों को जाने की अनुमति नहीं आती। एक ही थी औरत पहली बार उनकी सभा में गई थी उसका नाम उनकी मौसी थी वो भी गौतमी प्रजापति नाम था उनका कुछ ऐसा करके नाम था ठीक एक ही महिला। अब पता लगा मुझे क्यों क्योंकि महिलाएं ना उनकी सभाओं को भंग कर दिया करती थी इसलिए उन्हें विश्वास था अगर महिलाएं इसके अंदर आई तो उनका धर्म ना जो प्रचार प्रसार तेजी के साथ हो रहा था ये भी कभी फैल नहीं पाने का शायद ऐसा रहा होगा ऐसा ऐसा मान कोई दिक्कत। चलो एक्स जो क्या है वाई दो प्लेट इसके अंदर हम लिख लेती हैं क्या लिखना चाहते हैं लिखना चाहते हैं माना दो प्लेट एक्स वाई है दोनों की दोनों समांतर प्लेट है दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। समझ में आया बात है ठीक इतना लिख देते हैं हमें समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का प्राप्त करना है व्यंजक इतनी बात लिख लेते हैं पहले ताकि हमें असुविधा प्राप्त ना हो। चलो लिख लो ऐसे क्या देख रहे हो बोलो सपना सनी की लिखो माना अच्छा बनाई नहीं तुम अब तक ये हेडिंग नहीं बनाई तुम ये वाली हेडिंग बनाओ ये वाला डायग्राम बनाओ और जब बना लोगे तो फोन कर देना मुझे किसकी मेरी कॉपी क्या शायरी लिख रखी है वो वाली दिखा जब शायरी लिख रखी शायरी नहीं लिखती तू कॉपी हो तेरी कॉपी हो दिखा ये शायरी चार्ल्स का नेम लिख रखा है शायरी वो चार्ल्स का नेम लिख रखा है शायरी वो खुद को मत बदलो लोगों को दिखाने के लिए खुद को बदलो अपनी मंजिल को पाने के लिए बड़ी गजब की बात है। ओ बेटे मैंने सुनाए छोड़ दिए तुमने लिख रहे अपनी कॉपी पर शायरी तुम शायरी सुनना पसंद है लिखना पसंद नहीं है कुछ पसंद भी आ रही दुनिया में। चलो यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया कोई प्रॉब्लम चलो लिख डालो लिख दो इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है ना हे बचवा इनका क्षेत्रफल ए कितना लिखो माना ए अक्षेत्रफल वाली माना ए अक्षेत्रफल वाली ए अक्षेत्रफल वाली वाली दो समानांतर समांतर दो समांतर प्लेट है दो समांतर प्लेट एक्स तथा वाई है ऐसे लिखना एक्स तथा वाई है लिख दोगे जिनके मध्य दूरी डी है जिनके मध्य दूरी डी है जिनके मध्य दूरी डी है तथा विभव वी है तथा विभव वी है उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है हमें समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है हमें समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है
हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। या वोट मांगने नहीं आई थी वे, या आई थी मुझे देखी नहीं है, आई नहीं है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट लिख देना यहां तक क्या लिखा तुमने। अब लिखो परिभाषा से, परिभाषा से C बराबर क्यू अपॉन वी, सूत्र लिखो C बराबर क्यू अपॉन वी, फिर लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम ये सूत्र जानते हैं, E बराबर वी अपॉन डी हो, सब बच्चों को पता ही है, बराबर वी अपॉन वी अपॉन डी हो, बस तुम्हें नहीं पता, E बराबर वी अपॉन डी हो, पहले पढ़ाया मैंने, E बराबर वी अपॉन डी हो, हमने भी सुना है इसके सब गुणा भी हो जा, सुना क्या हो ही जा, ई डी सही यहाँ तक ही हो। अभी ना लिखो यार, तुम तो बहुत बदतमीज आदमी हो, हमने भी सुना है जो E बराबर है ना, E बराबर एक सूत्र हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सुना है दो, ये दो प्लेट के कारण हो, दो प्लेट के कारण हो, एक प्लेट के कारण तो हो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो, और दूसरी प्लेट के कारण भी फिर यही होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जोड़ देंगे तो टू ई आ जाएगा, टू ई बटे में टू एप्सिलॉन नॉट, इस तो कट जाएगा ई बटे एप्सिलॉन नॉट, तो जो दोनों प्लेट हो ना, दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी उसका सूत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पता लग गया कैसा आया, एक प्लेट का हो एक प्लेट का हो रहा, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा टू ई, तो दो तो दो कट जाएगा, जो आया इसीलिए, तो दोनों प्लेटों के बीच में तो ई बराबर, तो वी बराबर बताओ कितना बैठेगा, ई का मान रख दो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खुल का बोल, अंदर अंदर क्यों बोल रही, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हमने यू भी सुना है जो सिग्मा ने इसका भी सूत्र हो, सिग्मा बराबर क्यों क्यों बटे, सही सुना है, अब सुनते रहो आपका क्या कहना, ए दिल लाया है बहार, क्यों का मान रख दो यार, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बताओ सही है गलत है यहाँ तक, हैं सही है गलत है? कहाँ था आया, अरे भाई यहाँ सिग्मा का मान क्यों बटे रख दिया, पहले लिखवा रखा है सिग्मा वन क्यू बटे, तो क्यू बटे रख दिया, क्यू बटे रख दिया, डी जुगा तू एप्सिलॉन नॉट जुगा तू, ठीक दिक्कत कुछ यहाँ तक, और हम जानते हैं सी बराबर क्यू अपॉन वी सूत्र हो, तो यहाँ वी का मान नहीं रखने को कह रहा, यहाँ यहाँ देखो यहाँ वी ये भी नहीं है, समीकरण एक मान लो तो समीकरण एक से, समीकरण एक सी बराबर वन क्यू अपॉन वी, ये तो यहाँ लिखता वहाँ लिखता भरी हो, सी बराबर क्या सूत्र क्या, तो ऐसा क्या होगा, खाना नहीं खाया तुमने आज, तो यहाँ तो मिलने वाला नहीं भाई खाना, क्यों का मान वी का, क्यों बटे क्या लिखा हुआ, क्यों पैक मार रहे ए एप्सिलॉन नॉट, सेट्टी निकालो कुछ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना डी, यही थी, यही थी संधारित्र धारिता, यही थी समांतर प्लेट, रुक जाओ, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र हो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन जब होगा जब इनकी मध्य वायु हो, वायु के लिए K का मान एक हो, अगर इनके मध्य वायु ना हो ना, कोई बुर्दा भरा हुआ हो, कोई थर्माकोल भरा हुआ हो, कोई कचलाऊ पदार्थ भरा हुआ हो, समझ में आई बात है, तो यहाँ K आ जाएगा, फिर उसका मान K का मान पर अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग हो, जब दोनों प्लेटों के मध्य, जब दोनों प्लेटों के मध्य, किसके मध्य प्लेटों के मध्य, अब तुमसे सवाल पूछता हूँ, मध्य परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के हो, तो यहाँ जाएगा इसके बीच में क्या जाएगा, तो सी बराबर फॉर्मूला आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये जब जब दोनों के बीच में क्या भरा हुआ हो, परावैद्युतांक भरा हो दोनों प्लेटों के बीच में, जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ भरा हुआ हो परावैद्युतांक, तब उनके यहाँ जो इसके बीच में क्या आ जाएगा, किया जाएगा, अगर इस ये सूत्र कब, जब दोनों के बीच में वायु भरी हुई हो, निर्वात हो, जहाँ वायु ही ना हो, उसे निर्वात बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, वैक्यूम, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया,
तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र क्या हो जब उन दोनों प्लेटों के बीच में प्रद्युतांक के हो, तो सी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये सूत्र कब, जब दोनों प्लेटों के बीच में है, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, लेकिन ये सूत्र जब जब दोनों मध्य वायु या निर्वात हो, ये जब जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई प्रद्युतांक भरा हुआ हो। तो संधारित्र की अगर हमें धारिता बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं, जब तुम प्लेट का अक्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो संधारित्र धारिता बढ़ जाएगी, ऊपर वाली चीज को बढ़ा दो, जब तुम प्रद्युतांक बढ़ा दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट हो, दोनों प्लेट के बीच की दूरी घटा दोगे तुम, दूर दूर लेके जाओगे तो धारिता बढ़ेगी नहीं, पास पास लेकर आओगे घटा दो, इसे घटाओगे तो बढ़ जाएगा, अगर इसे बढ़ाओगे तो घट जाएगा। तो मैं कहने लगूं तुम बताओ जो संधारित्र हो उसकी धारिता बढ़ाने के कितने तरीके, तो आप बताओगे तीन। क्या बताओगे? नंबर फर्स्ट, पहला तरीका क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो, इसे बढ़ाओगे तो भी तो बढ़ जाएगी धारिता दोनों प्लेट, उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटा दो। नंबर तीन, परावैद्युतांक का मान बढ़ा दो, एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स हो, ये सर नो yes. इतना बात तो बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र जो संधारित्र हो उसकी भी तो धारिता हो, ये दो धारिता उसकी, उसे बढ़ाने के कितने तरीके। नंबर फर्स्ट, अगर प्लेट बड़ी बड़ी होती, छोटी छोटी प्लेट होती, छोटी छोटी प्लेट, आया समझ में, तो उसकी धारिता भी तो ज्यादा होती, आया समझ में, इतना बड़ा पेट होगा जब तुम किसी का तो रोज राशन तो कम थोड़ा ही खाएगा हो, आया समझ में, दो क्विंटल भोजन खाएगा। उसके बाद अब बताओ, अगर किसी प्रद्युतांक उसका मान ज्यादा होगा तो ये भी धारिता बढ़ जाएगी, ये तो फिक्स, उसका तो मान फिक्स हो, देखो इसको कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ने, क्या बढ़ाओगे, बढ़ाओगे क्या, ये तो फिक्स ही हो, डी है, दूरी घटा दो, दूरियाँ घटा दोगे इसकी मजबूरी हो जाएगी, ऐसे घटाओगे तो बढ़ जाएगा, ये सर नो, इतना बात बताओ, तो समझ में आया नहीं आया, अरे भाई समझ में आया क्या, लेकिन ये तो यहाँ तो सब्जेक्टिव सवाल पूछे तो पूछे बोर्ड में, अब बोर्ड की दुनिया तो हम बाहर निकलेंगे, ये तो बोर्ड के सवाल थे, वहाँ कैसे सवाल पूछेगा, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया, इस सवाल का क्या सवाल पूछेगा, इसका तुम्हें चार बार प्रैक्टिस करना, नोट कर लिया तुमने, तो क्या कर रहे हो तुम, नोट करो सर,